हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे राज्य के बारे में रोचक जानकारी बताने वाले हैं जो कि अपने आप में ही अलग है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रूट्स का उत्पादन होता है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले माने जाते हैं। कहते हैं कि अमेरिका में अगर आपने इस स्टेट की यात्रा नहीं की तो बहुत कुछ मिस कर दिया। ये एक सुपर पावर देश का पार्ट है, लेकिन अपना खुद का पावर ग्रिड यूज करता है। दोस्तों, आज हम आपको जहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो एक स्टेट है, लेकिन आप समझिए कि यूरोप के किसी भी देश से कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के टेक्सास स्टेट के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टेक्सास कुल मिलाकर 6,95,662 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं दोस्तों, यहां की कुल आबादी है तकरीबन 3 करोड़ के आसपास। यहां पर आपको 110 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, एक लाइन आपने कई लोगों के मुंह से हो सकता है कि सुना हो, वो ये है, गॉन टू टेक्सास। जी हाँ, ये तमाम अमेरिकन लोग जब अपने घर से किसी दूसरे शहर भी जाते हैं तो कह देते हैं गॉन टू टेक्सास। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि 18th सेंचुरी में यहाँ पर बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे, बहुत तरीके का काम हुआ करता था और इस जगह पर लोग दूर दूर से कमाने के लिए आते थे, इसीलिए इसे गॉन टू टेक्सास नाम दे दिया गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ के तीन वो कौन से बड़े शहर हैं। जी हाँ, ह्यूस्टन, डलास एंड सैन एंटोनियो टेक्सास के सबसे बड़े शहर हैं। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये तीन शहर नहीं है बल्कि अपने आप में ही एक स्टेट है। ये वाकई में बड़ी सिटी है। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ की रोड को देखने के बाद आप बोलेंगे कि रोड हो तो वैसी, नहीं तो नहीं। जी हाँ, दुनिया में सबसे बेहतरीन सड़क टेक्सास में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ का एक रोड जो कि ऑस्टिन एंड सैन एंटोनियो के बीच में बना हुआ है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा फास्टेस्ट रोड है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी गाड़ी 137 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा सकती है। क्या बात है, यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव जाने का मजा ही कुछ और होगा। आपको बता दूं कि एक जीव जिसने आजकल पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है, वो सबसे ज्यादा टेक्सास के एक लोकेशन में पाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैट यानी कि चमगादड़। आपको बता दूं कि ये बैट सबसे ज्यादा ब्रैकन केव में एक साथ रहते हैं, जहाँ पर इनकी तादाद लगभग 30 मिलियन के आसपास है। आप समझिए कि यहाँ पर एक जगह 3 करोड़ बैट रहते हैं। इस जगह के आसपास कभी आना भी मत। दोस्तों, क्या आपको ग्रीन टी पीने का शौक है? अगर है तो आपको यहाँ बड़ा मजा आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका के सबसे बेस्ट और सबसे अलग तरह का ग्रीन टी यही बनाए जाते हैं। यहाँ से ग्रीन टी प्रोडक्शन करके दुनिया के तमाम देशों में भी भेजा जाता है। ये भी इस स्टेट का बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। मजा आएगा आपको यहाँ पर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि द बिलव्ड ग्रोसरी चेन की शुरुआत भी इसी स्टेट से हुई है? जी हाँ, ऑस्टिन टेक्सास में ही इन्होंने अपना पहला ब्रांच खोला था, तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़े ही बिजनेस माइंडेड होते हैं। वेल, दोस्तों, टेक्सास के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही कवि विचारधारा के लोग होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हर किसी को पोएम लिखने का शौक होता है। यहाँ पर बात बात पर आपको लोग वन लाइनर सुना देंगे। यहाँ पर क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ही दिल के साफ और आराम के लाइफ जीने पर भरोसा करते हैं। अमेरिका के कई बड़े बड़े लेखक और कवि इसी स्टेट से आते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। जनाब बताइए जरा, बता रहे हैं? अरे वाह, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ था? जी हां, इसकी शुरुआत टेक्सास से ही हुई थी। यहां के बारबेक्यू का मजा ही अलग लेवल का है। वाकई में आपकी शाम बन जाए यहां के बारबेक्यू खाकर। वैसे आपको बता दूं कि यहां पर भी कई तरह के बारबेक्यू बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे फेमस सेंट्रल टेक्सास का बारबेक्यू होता है, जहां पर की मीट को रोस्ट करते हैं। वेल, आपको बता दूं कि इसी स्टेट में एक ह्यूस्टन नामक शहर है। जी हां, जानते हैं, इसे अमेरिका का सबसे डाइवर्स सिटी कहा जाता है। जी हां, यहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है और यहां का इतिहास भी बहुत पुराना है। कहते हैं कि अगर आप अमेरिका को एक नजर में देखना चाहते हैं तो आपको एक बार ह्यूस्टन शहर की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि टेक्सास की थीम पार्क में 6 फ्लैग को दिखाया गया है। जी हां, लेकिन क्या आपको पता है कि ये 6 फ्लैग दिखाने का मतलब क्या है? हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली यहां पर 6 फ्लैग उनके लिए दिखाए गए हैं जो कि कभी इस देश में रूल कर चुके थे। यहां पर जिस देशों ने राज किया वो है स्पेन, फ्रांस, मैक्सिको, द रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर लोगों का शौक भी होता है किताब पढ़ने का, नहीं तो आजकल तो अमेरिका में बच्चे भी स्कूल जाना नहीं पसंद करते हैं, ये बस गिटार लेकर टाइम पास करते हैं। लेकिन टेक्सास में आज भी एजुकेशन को लेकर बात अलग है। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामलों में यहाँ पर सब बहुत गंभीर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।